अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरा मेरा रक्षाबंधन। वो कनाडा का ऑफर उसकी चाल थी तेरी बहन रसाल से शादी करने के लिए। रसाल ने तेरी और खानदान की इज्जत बचाने के लिए इसके सामने घुटने टेक दिए। किसी ने कोई दबाव ना डाला हमारे ऊपर, अपनी मर्जी से की है मैंने ये शादी। शिवा, कब तक ऐसे ही बैठा रहेगा ठहर? चल अंदर चल, आजा बेटा। सुन, समर के बारे में पूछ रहा था ना, तो जानकारी मिली है उसके परिवार की। उसके ताऊ जी ताई जी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, पुस्तैनी जमीन और खेत है उनके, साथ ही व्यापार भी काफी फैला रखा है। शिवा होने को कोई टाल ना सके, रसाल के भाग्य में जो लिखा था सो तो हो गया, पर समर बुरा छोरा ना है, अच्छे खानदान का है, पढ़िया लिखा है, और सबसे अहम बात यो है कि आपनी रसाल ने प्रेम करे हैं, हमेशा खुश रखेगा उसको। तो मैं तो यही कहूंगा कि एक बार और अच्छे से सोच ले इन दोनों के बारे में, और हो सके तो अपना ले इस रिश्ते को। बड़े साहब जी, आपने कहा था समरसा के ताई ताऊ जी के बारे में जितनी जानकारी हो सब निकालो। इस कागज में कुछ खास जानकारी है उन लोगों के बारे में। वो लोग यहाँ से 5 गांव छोड़ के छोटे से गांव के रहने वाले हैं। गांव का नाम है देवरिया। देवरिया, उस गांव के स्वर्गीय सरपंच साहब के बारे में तो मैंने घना सुना है, बहुत ही सज्जन और भले मानुष थे उमेश सिंह जी। समरसा के ताई ताऊ जी के नाम है की छोरी, मैं तने दिखाऊंगी अभी कि मैं के हूं। अगर तू अपने भाई को जिंदा दिखाना चाहती है ना, तो पुलिस थाने में मत जा। चकोरी और मूंग सिंह, शिवा साढ़ की शादी चकोरी के भतीजे से हुई है। ये नाम पढ़कर तू बदावास सा क्यों हो गया? पहले से जाना है क्या इन लोगों को? शिवा, शिवा, आपसे जब भी मन ने पूछा आपने बस यही कहा कि हमारे पास कल की कोई बीती याद ना है। क्या छिपा रहे हैं भाई साहब हमारे? मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि उस चकोरी का और हमारा सामना एक दिन होकर रहेगा। उसने मुझसे जब भी सवाल किया मैं झूठ बोलता रहा ताकि सच्चाई और चकोरी के साय से उसे दूर रख सकूं, लेकिन किस्मत मेरी लाडो को खींच के उन्हीं लोगों के पीछे ले गई।
सारा जहाज बन गया। बन गया। जो ये प्यार है ना, इसे देखकर मारी छाती चौड़ी हो जावे। खूब गर्व है मन में कि तू मारा छोरा से। अब तो सिखाते हैं ना कि जब कोई इंसान सच्चा होता है तो उसके साथ कुछ गलत ना होता। ऐसा होता है ना बापू साहब? मैं नाश्ता लगवा दूं? लो। बापू साहब, जब मेरा ब्याह होगा तो मैं भाई साहब और आपको छोड़ के कहीं ना जाऊंगी, बस इधर ही रहूंगी। बापू साहब, ये देखिए हमने क्या बनाया। अरे वाह, घणो खूब। भाई साहब, लड्डू देख, तेरा भाई साहब आया है। दूज का तिलक लगवाड़े, आ जा बेटा। लड्डू भाई साहब,
फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।